हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि झांसी में इस वक्त जो है वो काफिला रुका हुआ है और यहाँ से इसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पर जो काफिले को रोका गया, रिफ्रेशमेंट के लिए रोका गया, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। काफिला है अतीक का, उसको रिजर्व पुलिस लाइन जो है इसमें रखा गया। और मैंने रात को ही बताया था कि झांसी में जो है अलर्ट जारी कर दी गया है पुलिस को, क्योंकि यहीं से वो जो काफिला था वो गुजरने वाला है, नियत रूट पे ही गुजरा है काफिला और नियत रूट से जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। अब तो यहाँ से अभी सुरक्षा की अगर बात करें तो रास्ते में भी जितनी जगह पर अगर फ्यूलिंग करवाने के लिए भी रुके तब भी, और रास्ते में जितने भी जिले पड़े हैं, सभी जो राज्य पड़े हैं, सभी की पुलिस जो थी वो कवर करते करते जो है वो यहाँ पर तक लेके आई, और यहाँ से भी यूपी की पुलिस भी जो है इसको कवर करते करते जो है प्रयागराज तक ले जाएगी। जी ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक पहुंच चुकी है पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है, और उसके बाद जो है यहाँ से आगे ये पुलिस बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं और इसके बाद जो है यहाँ से आगे की रवानगी होगी, तो कुछ ही समय और बताया जा रहा है कि यहाँ से इसकी रवानगी की जाएगी। फिलहाल नजरें सबकी है कि कितना समय लगेगा और यहाँ से फिर यह आगे रवाना हो जाएगा काफिला। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पे किए गए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पे नजर आ रहा है। फिलहाल प्रयागराज से अभिषेक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, अभी 8 से 9 घंटे बताए जा रहे हैं प्रयागराज पहुंचने में, अभी और समय लगेगा क्योंकि अभी झांसी में रुका हुआ है काफिला। प्रयागराज में कैसी हलचल है? अभिषेक आवाज मिल रही है मेरी? अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अतीक की बहन का भी बयान सामने आया, मेरे भाई का इनकाउंटर हो सकता है और वो भी ये पुलिस की गाड़ियों के पीछे पीछे से उनका भी गाड़ियों का काफिला जो है वो चल रहा है। उसकी बहन वो खुद को बता रही है और वो भी इसके साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये साफ है कि क्योंकि अतीक को जेल साबरमती जेल से अब जो है प्रयागराज पहुंचाया जा रहा है, तो अलर्टनेस जरूर है। अतीक के जो करीबी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे पर एक्टिव नजर आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है अशरफ को भी बरेली से पुलिस प्रयागराज ला रही है। तो इन दोनों माफिया ब्रदर्स की कल कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये एक बड़ा मैसेज जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि कितना ही बड़ा माफिया जॉन क्यों ना हो, अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो जवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा बयान जो है वो कल ही दिया गया है और इस तरीके से कोई भी माफिया बचेगा नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पल पल की, जहां ठीक है अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। झांसी के पुलिस स्टेशन की ये तस्वीर है जहां पर ये काफिला रुका हुआ था, और क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं जरूर, फिलहाल यहां से जो है इस काफिले को जो है आगे रवाना किया जा रहा है। हम तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी ये उसी गाड़ी के पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं, और इसी के अंदर यहीं पर अतीक भी है और यहां से जो है उसे आगे रवाना किया जाएगा। यहां पर रिफ्रेशमेंट के लिए टीम रुकी हुई है और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। अब यहाँ से अतीक अहमद को लेकर ये काफिला जो है आगे प्रयागराज के लिए रवाना होगा। इसके बाद कोई स्टॉपेज नहीं होगी, बस एक फ्यूल डालने के लिए स्टॉपेज होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए जरूर इस काफिले को रोका गया था, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई थी। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तैनात है, और इसके बाद यहाँ से दो गाड़ी है वो कुछ ही देर में रवाना हो जाएगी, और उसके बाद ये गाड़ी जो है सीधे सीधे निकलेगी हाईवे होते हुए, ये प्रयागराज पहुंचेगी। अभी 8 से 9 घंटे का समय और लग सकता है, यहाँ पर जितनी देरी होगी उतनी देरी प्रयागराज पहुंचने में होगी, क्योंकि इसके बाद कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी दिखा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद जहां पर ये गाड़ी रोकी गई थी झांसी पुलिस स्टेशन पर, ये उसी की तस्वीर है। उसके बाद हालांकि पुलिस व्यवस्था पूरी कड़ी की गई है और यहां पर जो मीडिया कर्मी है उनका भी भारी जमावड़ा लगा हुआ है। यहां से आगे के लिए जो है गाड़ियां रवाना होंगी और उसके बाद जो है ये प्रयागराज सीधे पहुंचेंगे। इंडिया न्यूज में लगातार इस गाड़ी को फॉलो अप करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पल पल की अपडेट हम आपको देते रह रहे हैं। अभी फिलहाल हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर
अतीक को जो है उस गाड़ी में बैठाया जा रहा है और यहाँ से ये गाड़ी जो है अब सीधे रवाना हो जाएगी प्रयागराज के लिए। तो कुछ ही समय और है यहाँ पर इस गाड़ी को रोका हुआ है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो उस गाड़ी के मौजूद है और अब हम आपको जूम करके उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, ये वो पुलिस की वैन है जिससे अतीक अहमद को लाया गया है, जिसमें वो बैठकर आया हुआ है। इसमें ही पुलिसकर्मी है, 45 सदस्यीय पूरी टीम जो है वो इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें बड़े अधिकारी हैं जिन्हें शामिल किया गया। ये एक मिशन जरूर है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है और झांसी में पहला स्टॉपेज होगा इसके लिए भी पहले से रणनीति तैयार की गई थी और अभी जो है अब यहां से ये काफिला जो है आगे रवाना होगा।